टी20 वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना है। टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में हुई थी और भारत सबसे पहला चैंपियन बना था। टीम इंडिया ने अपना पहला टी20 इंटरनेशनल मैच दिसंबर 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था। इस मुकाबले में भारत ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी। आज हम आपको ऐसे 3 भारतीय प्लेयर्स के बारे में बताते हैं जिनका टी20 करियर का पहला मैच ही आखिरी मैच बन गया था। दिनेश मोगिया ने टीम इंडिया के लिए 50 से ज़्यादा वनडे मैच खेले थे, लेकिन टी20 में उन्हें एक ही मैच खेलने को मिला। टीम इंडिया के इतिहास के पहले ही टी20 मैच में दिनेश मोगिया प्लेइंग 11 का हिस्सा थे। इस मैच में मोगिया ने 45 गेंद का सामना किया था और 38 रन बनाए थे। इस पारी में उनके बल्ले से 4 चौके और 1 छक्का निकला था। ये मैच उनका पहला और आखिरी टी20 मैच था। मोगिया को IPL में भी खेलने का मौका कभी नहीं मिला। दिनेश मोगिया ने 28 साल के लंबे करियर के बाद संन्यास ले लिया था। सचिन तेंदुलकर। दुनिया के सबसे सफल बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने भी अपने करियर में सिर्फ एक टी20 इंटरनेशनल मैच खेला है। सचिन ने साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैच में डेब्यू किया था। इस मैच में सचिन ने 12 गेंदों पर 10 रन ही बनाए थे। वहीं उन्होंने 2.3 ओवर गेंदबाजी भी की, जिसमें 12 रन उन्होंने दिए और 1 विकेट अपने नाम किया। इसके बाद वे फिर कभी भारतीय टीम के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले। इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर का नाम सबसे चौंकाने वाला है। और तीसरा नाम है राहुल द्रविड़ का। भारतीय टीम के मौजूदा हेड कोच राहुल द्रविड़ ने भी भारत के लिए सिर्फ एक टी20 इंटरनेशनल मैच खेला है। 31 अगस्त 2011 को टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ राहुल ने डेब्यू किया था। द्रविड़ ने इस मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 21 गेंद में 31 रन बनाए थे। खास बात ये कि इस मैच में भी द्रविड़ ने एक ओवर में लगातार 3 छक्के भी लगाए। ये मैच राहुल द्रविड़ का पहला और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच साबित हुआ। तो ये वो 3 खिलाड़ी थे जो केवल अपने पूरे करियर में एक ही टी20 मैच खेल सके। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, साथ हमारे चैनल न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।